अभी साथी ने बोला कि जो 18,000 है न्यूनतम वेतन वो कर दिया जाए, तो आपका कैसा मानना है? बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि हमको ऐसा पहले कहा गया कि समान वेतन समान कार्य, इसलिए हम इस बेस को लेकर के आए हुए हैं कि समान वेतन और समान कार्य रखा जाएगा। जो हमसे झूठे वादे किए गए, हम उनका पर्दाफाश करने के लिए क्लियर हुए हैं। झूठा वादे क्या किए गए थे आपसे? अधिकार दिलाओ रैली सम्मान में, जो हम भविष्य में हमारा सरकार बनेगा तो हम किसी संविदा कर्मी को हताश नहीं होने देंगे, और 18,000 रुपए यानी सभी को ऐसा ही रखेंगे। मतलब अभी आपने बताया कि जो अधिकार रैली बुलाई गई थी उसमें वायदे किए गए थे, जी जी, तो किसने वायदे किए थे? राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी ने किए थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी भाजपा वाले नेताओं ने, सभी ने ऐसा हमको आश्वासन दिया था। हमको ऐसा आश्वासन दिया कि किसी संविदा कर्मी को एकदम हटाया नहीं जाएगा, और हटाया और सभी को एकदम अलर्ट रखा जाएगा, और सभी को कार्य आगे दिया जाएगा। हम 2000 कार्य करने में एक मजदूर यानी नरेगा मजदूर को जो मजदूरी मिल रही है वो क्या उसके बराबर भी हम नहीं है? जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को अध्यापक पढ़ाते हैं, और 14 साल तक के यानी 50 साल तक के निरक्षरों को जो एक्सपायर हुए हैं उनका कहीं भी ठिकाना नहीं है। जिस दवा को एक्सपायर करके कचड़े में फेंक दिया जाता है, उस दवा को हम आज कामयाब कर रहे हैं, और 14 साल तक के 50 साल तक के निरक्षरों का, और हमने साक्षर भारत किया, और यानी मोदी सरकार का नाम हमने रोशन किया, किस निरक्षर से हमने भारत को हमने साक्षर कर दिया। दवा का आपने नाम लिया कि एक्सपायर डेट जो दवा हो जाती है उसको हमने साकार किया है, वो दवा क्या है? वो दवा 14 साल से 50 साल तक के उनका कहीं पर भी कोई भी कुछ भी हिला नहीं है, उनका नामांकन ही नहीं है, वो सभी तरह से एक्सपायर हो चुके हैं, उनका कोई भी कहीं पर सीट है ही नहीं। तो अब इस धरने को लेके आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? इस धरने को एक तो हमारा जो भी मानदेय रुका हुआ है वो हमको एक मुश्त मानदेय किया जाए, और कम से कम एक साधारण मजदूर की मजदूरी पर तो हमको डिपेंड किया जाए, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। धन्यवाद।